있어! What's up, lovely people? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सबका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फुटेजेस एनालाइज करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इनमें से कुछ फुटेजेस बहुत ही ज्यादा डरावनी भी हैं। ये वो फुटेजेस का कलेक्शन है जो सारी दुनिया भर से हमने इकट्ठी की है और आज आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। सारी फुटेजेस बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और दावा करती है कि इन्होंने कैमरा में भूत को कैप्चर किया है। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। तो आइए मिलकर एनालाइज करते हैं इन सारी फुटेजेस को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। आई एम हियर टू कम्युनिकेट विद यू टुडे। यहां पर एक बंदा इस चर्च को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ है। ये जो चर्च है काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ है और लोग इसके बारे में ये बातें करते हैं कि यहां पर कोई बुरी आत्मा भटकती है। हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि यह चर्च काफी बड़ा है और यह बंदा हिम्मत करके इस पूरे चर्च को एक्सप्लोर कर रहा है। Orbs don't come out. Can you come in here? ये सारी जगहों पर घूमता है, सारी जगहों पर जाता है, लेकिन इसे कोई भी चीज नजर नहीं आती। फिर ये एक जगह पर जाकर रुक जाता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ है या वहां पर कोई है। फिर उसी जगह पर इसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई चीख रहा हो, तो फौरन ये डर कर वहां से भागता है। हेलो, हेलो, दैट वाज अ स्क्रीम। ओह क्रैप, दैट वाज अ डैम स्क्रीम ट्वाइस। आइए इसे एक बार फिर से सुनते हैं और समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं। That was a scream. Oh God. Oh crap. That was a damn scream twice. इसके बाद इस बंदे की यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं होती और ये यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। यहाँ पर यह बंदा एक सुनसान और वीरान पड़े हुए घर को एक्सप्लोर करने आया हुआ है। यहाँ पर इसके साथ एक नहीं बल्कि कई ऐसे हादसे होते हैं जिसे देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि इस घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। बिस्मिल्लाह الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم। ये बंदा इस घर में जाने से पहले ही काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद ये अंदर जाने की हिम्मत करता है और अंदर जो होता है वो वाकई में काफी डरावना है। الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ابوك الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تقم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استحلفتكم بالله। ये जोर जोर से पढ़ता हुआ आगे बढ़ता चले जाता है और ऊपर से इसे कुछ आवाजें आ रही होती हैं जैसे कि कोई कुछ ठोक रहा है। حسبي الله ونعم الوكيل इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए ये बंदा इस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है अलग अलग चीजें होती हैं। एक जगह पर ऐसा लगता है मानो कोई इस पर अटैक कर रहा हो। انا متحسن من ذكر الله عز وجل ولن يضرني الا بشيء قد كتبه الله ولي بسم الله। फिर जब ये इस कमरे में अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां का जो दरवाजा है वो अपने आप ही जोर जोर से पटकने लगता है। بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दरवाजे किस तरीके से अपने आप ही ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं
और जोर जोर से हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब आगे आप एक सीन देखेंगे जहां पर जो ऊपर लाइट्स लगी हुई है वो अपने आप ही फूटने लगती हैं। और इतना करीबी मामला रहता है कि अगर ये बंदा थोड़ा सा और आगे होता तो शायद उसके कांच जो होते हैं, ग्लास जो होते हैं, वो इसके बॉडी में घुस सकते थे। इससे शायद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये वीडियो शायद रियल हो सकता है। आइए वो सीन देखते हैं जहां पर लाइट्स जो हैं वो अपने आप ही फट रही हैं और वो भी बिल्कुल इसके करीब में। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله इतना सब होने के बाद भी यह बंदा यहाँ पर काफी टाइम गुजारता है और इसी टाइप से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन लास्ट में इसकी हिम्मत जवाब दे देती है और ये यहाँ से वापस अपने घर की तरफ पलट जाता है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। आयरलैंड में कुनिन गेस्ट हाउस करके जगह है जो कि बहुत भूतिया मानी जाती है। बताया जाता है कि ये जगह पिछले 100 सालों से हॉन्टेड है। किस्से कहानियों में ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक विच का श्राप है और उसी की वजह से ये जो घर है ये इस हालत में है और ये भूतिया है। तो आज इस जगह का सच जानने के लिए एनके हॉन्टिंग्स नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है। ये पूरे घर का जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। यहाँ पर शुरुआत में ही एक हादसा होता है। ये लोग जब उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं तो इनमें से एक बंदी की जबान फिसलती है, यानी कि बोलना कुछ है और मुंह से निकलता कुछ है। और कमाल की बात यह है कि जिस टाइम इस महिला की जबान लड़खड़ाती है, फिसलती है, उसी टाइम एक रहस्यमय रोशनी भी यहां से निकल कर जाती है और कैमरा भी इसे कैप्चर करता है। उसके बाद ये लोग अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और भी कई इक्विपमेंट जो इनके पास है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो लाइट आपको नजर आ रही है दरअसल ये एक ऐसी लाइट है कि जब तक कोई इसे टच नहीं करेगा तब तक इसकी लाइट ऑन नहीं होती है, फिर चाहे वो कोई भूत क्यों ना हो। लाइट के ऑन होने के लिए इसका टच होना जरूरी है। फिर यहाँ पर इन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देना स्टार्ट होती हैं। ये लोग ये बात करते हैं कि आखिर ये आवाजें किस दिशा में से आ रही हैं। आइए सुनते हैं। यहाँ पर इनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और साथ में इनका जो वो उपकरण है जिसको कोई टच करता है तो लाइट्स ऑन होती हैं, उसकी लाइट्स भी ऑन हो जाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग उस उपकरण से पीछे खड़े हुए हैं। उसके बाद ये फिर से बोलते हैं उस भूत से कि इसे एक बार और करके दिखाओ। हमने देखा कि इनके बोलने के बाद किस तरीके से वो लाइट्स वापस से ऑन होती है और ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर से कुछ घटना घटित होती है। उसके बाद में जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं ये बताते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगती है। हालांकि पहले तो टेम्परेचर नॉर्मल था लेकिन अचानक से इस तरीके का ठंड लगना ये इशारा करता है कि शायद हो सकता है कि जो भी आत्मा या भूत प्रेत है वो इनके ज्यादा नजदीक में आ चुका है। उसके बाद इनका एक इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ड कैप्चर करता है। उनका ईवीपी रिकॉर्ड करता है मर्डर। फिर वो पूछती हैं कि क्या किसी का यहाँ पर मर्डर हुआ है, तो फिर एक चीख की आवाज भी रिकॉर्ड होती है। शायद वो इशारा करती है कि हाँ यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है और उसे फांसी पर लटकाया गया था। ये वीडियो आया है साउथ कोरिया से जिसे अपलोड किया था डी डॉग माइकल ने और ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और एक ऐसी बिल्डिंग का जायजा लेने आए हैं जो कि काफी ज्यादा बदनाम है और ये बिल्डिंग भूतिया मानी जाती है। कहा यह जाता है कि इस बिल्डिंग में जो भूत प्रेत जो भी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। इस बिल्डिंग में इंटर होने के थोड़ी ही देर बाद उन्हें ये नजारा देखने को मिलता है और वो इसे अपने कैमरा में कैप्चर भी करते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज है इसे कोई भूत हिला रहा था। आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल साफ साफ इसे कैमरा पे भी कैप्चर किया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ये बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों को भी एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं और भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर चीजें अपने आप हिल रही होती हैं।
ये देखने के बाद वो पीछे भागने की बजाय स्टूल की तरफ भागते हैं और ये देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या कोई चीज इससे बंधी हुई थी, आखिर ये चीज क्यों हिल रही थी। वो स्टूल को चारों तरफ से देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि इसे कोई घसीट रहा था। फिर जब वो इस रूम को छोड़ने वाले होते हैं तभी एक घटना और होती है। यहाँ पर रखी हुई एक बड़ी सी शेल्फ नीचे गिर जाती है। ये बंदा इसकी भी तरफ आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि भला ये क्यों गिर रही है। उसी कमरे में रखी ये एक दूसरी शेल्फ है, ये भी अपने आप नीचे गिरती है और आप देख सकते हैं इसके पीछे जगह बहुत छोटी है, यानी कि कोई छुप कर यहाँ नहीं बैठ सकता। ये सारी चीजें तो हो रही हैं लेकिन फिर भी यह बंदा बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। यह बंदा दूसरे कमरों की तरफ आगे बढ़ता है और एक घटना ऐसी इसके कैमरा में कैप्चर होती है जिसे देखने के बाद इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमें इस बंदे की ये तारीफ तो करनी होगी कि कितनी भी डरावनी चीज इसके सामने आ रही है लेकिन ये पीछे भागने की बजाय उसकी तरफ जाता है और उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से ये चप्पलें अपने आप ही आगे बढ़ रही थी। ये बंदा इसके नजदीक में पहुंचता है और अच्छे से चेक करके ये बताता है कि इसके अंदर भी कोई धागा या कोई स्ट्रिंज नहीं बंधी हुई है। अब इसके बाद में ये बंदा आगे बढ़ता है और एक दूसरे कमरे में जाता है जहां पर ये सेम सिचुएशन का सामना करता हुआ नजर आता है, यानी कि यहां पर भी एक दूसरी स्लीपर रखी है और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। इस बार ये बंदा फौरन भागकर अंदर जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं दरवाजे के पीछे भी कोई नहीं है और इस स्लीपर से भी कोई धागा, कोई स्ट्रेंज इस टाइप की कोई चीज बंधी हुई नहीं है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है जहां पर हमने देखी कुछ डरावनी वीडियोस, कुछ भूता वीडियोस। आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।